जिसमें आपको विंटर के अपने सारे फ्लावर्स दिखा रही थी, कितने सारे फ्लावर खिल रखे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे घर बहुत सारे फ्लावर विंटर में आ रखे हैं, अब इनके सीज़न भी जा रहे हैं। तो जाते जाते मैंने सोचा एक बार अपने सारे फ्लावर्स मैं दिखा देती हूँ। इतने प्यारे फ्लावर खिले हैं मेरे, और बारिश भी बहुत हो रही है हमारे यहाँ, तो इस वजह से फूल थोड़े मेरे गल से गए हैं। कल रात से बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ, बारिश की वजह से आज ये भी प्लांट्स मेरा जो है, ये आइस प्लांट, इसमें भी बहुत सारी कलियाँ हैं, पर आज धूप नहीं निकली है तो इस वजह से आज ये भी नहीं खिला है। तो मैंने सोचा काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे मेरे घर के फ्लावर्स, तो मैंने सोचा कि विंटर के एक लास्ट फ्लावर्स की अपनी सारी वीडियो में बना लेती हूँ, जो बहुत प्यारे खिले हुए हैं इस समय। तो मैंने सोचा ये है जेरेनियम, काफ़ी सारी कलियाँ भी, ये तो अभी स्टार्ट हुए हैं हमारे घर में, तो मैंने सोचा इनको दिखाती हूँ। जो भी फ्लावर इस समय हमारे यहाँ खिले हुए हैं विंटर के सब, तो उनको मुझे बस कैप्चर करना था अपने फ़ोन में। मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, एक यादगार मोमेंट रहेगा विंटर का, क्योंकि अब कुछ कम हो गए हैं फ्लावर्स, बारिश भी बहुत हो रही है, मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे ख़राब भी हो गए थे। ये है सिंडालिया, बहुत खिले हैं इस समय मेरे, कुछ खिल भी चुके हैं, ये काफ़ी पीछे तक खिल रखी, काफ़ी बड़ा इसका प्लांट है। तो मैंने सोचा इनको एक बार और वीडियो बना के दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को कि विंटर के मेरे काफ़ी फ्लावर खिले हुए हैं। बस मैं ऐसे ही देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती है विंटर फ्लावर के लास्ट वीडियो। ये विंटर के सारे फ्लावर्स हैं, अब काफ़ी कम हो गए हैं फ्लावर्स, मैंने सोचा एक बार दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा है, बिगोनिया है, सब अभी फुल ब्लूमिंग पे हैं, काफ़ी खिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा दिखाते हैं। खिलेंगे ये तो मार्च अप्रैल तक, बट थोड़े कम हो जाएंगे ये, तो इसलिए मैंने सोचा और व्यू अपने घर का पूरा होम, जो भी प्लांट्स लगाए हैं। बहुत बारिश है, अभी भी बारिश की बूंदें इनमें हैं। कितनी अच्छी बूंदें लग रही हैं बारिश के, ये देखिए फ्रेंड्स, इतना वेट आ जाता है बारिश के पानी से, और बहुत खूबसूरत फूल सारे मेरे खिल रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा बारिश भी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, अगर फूल खिले हुए हैं तो काफ़ी सारे फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं, कुछ गल जाते हैं। इनको तो मैंने शेड के नीचे कर रखा था, तो ये डायरेक्ट बिल्कुल बारिश के संपर्क में नहीं आते, ये शेड के नीचे ही होते हैं ये, तो ये अभी बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं, कितनी सारी कलियाँ इसमें अभी हैं, बस ये लास्ट हैं फ्लावर सारे, क्योंकि फ्लावर्स थोड़े कम खिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखाते हैं। ये गुलाब है, काफ़ी सारे गुलाब मेरे ख़राब भी हो गए थे, बहुत पानी है इनमें, बहुत प्यारी प्यारी कलियाँ भी हैं, कुछ नए रोज़ के प्लांट में लेकर के भी आई हूँ, ये बहुत अच्छा गुलाब होता है ये। ये जरबेरा है मेरे घर का, बहुत ही प्यारा कलर है ये रेड कलर, और कलियाँ भी काफ़ी हैं इसमें, ये सीज़न है इसका, ये काफ़ी इसमें कलियाँ हैं, अभी नीचे भी बहुत छोटी छोटी हैं, और एक तो पूरा ये खिला हुआ है। तो ये सारे विंटर के फ्लावर हैं जो बहुत सुंदर खिले हुए हैं, मैंने सोचा दिखाते हैं आपको। जरबेरा एक और है, ये रेड कलर, इसका रेड कलर बहुत प्यारा है, बट अभी खिला नहीं है, कलियाँ ही हैं। और एक ये कलर है, भी बहुत प्यारा कलर है। तो ये सारे फ्लावर इस समय काफ़ी सारे खिले हुए हैं विंटर के, और इतने अच्छे फिर बाद में
नहीं खिलते, थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अब ये बारिश भी लास्ट है ये सीज़न की। अब तो आगे फिर बाद में बारिश हो, अभी तो नहीं होगी अब, तो फिर इतने अच्छे फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। तो ये मैंने सब दिखाते हैं आपको, काफ़ी सारा फ्लावर्स मेरा खिला हुआ था और कुछ विंटर के भी प्लांट्स काफ़ी सारे थे। ये रोज़ बहुत प्यारा कलर है इसका, इसलिए मैं स्टाफ आपको दिखाते हैं अपने घर का फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर हैं सारे दिखाते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, बाय।